तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एक आयरन फार्म को बनाया जाता है। तो गाइस आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आयरन फार्म को। तो गाइस इसको बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसको बनाने के लिए आपको जो जो सामग्री चाहिए होगा उसका लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया, तो आप एक बार जाके देख लेना। और गाइस ये 1.18 का बहुत ही ज्यादा सिंपल फार्म मैंने डिजाइन करा है। गाइस इसका डिजाइन मैंने ही किया है, मैंने खुद से किया है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल से डिजाइन करा है। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पापड़ नहीं बेलना पड़े, बस स्टेप्स को फॉलो करके इसे बनाना होगा, तभी जाके ये फार्म जो है काम करेगा। और ये फार्म माइनक्राफ्ट के हर एक वर्जन में वर्क करेगा, लाइक एमसीपी, बेडरॉक, एक्सबॉक्स, PS4, विंडोज 10 और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर वर्क करेगा, ठीक है। मतलब ये जावा में वर्क नहीं करेगा, आई डोंट नो, क्योंकि ये बेडरॉक के हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये फार्म जो है वो वर्क करेगा। तो गाइस अभी चलो देख लेते हैं भैया इसको कैसे बनाओगे। बट उससे पहले आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जाके नीचे लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं ताकि ऐसे वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन आए मिल जाए। तो चलो अभी बनाते हैं भाई इस आयरन फार्म को। ओके तो गाइस सबसे पहले देखो, इस फार्म को बनाने के लिए आपको एक जगह चूज कर लेना है, ठीक है। तो जगह को चूज तो करोगे, बट उस जगह को चूज करना जिसके आसपास कोई वर्किंग स्टेशन ना हो, जैसे कि हो गया कोई फार्म आपने बनाया, जैसे कि विलेजर ब्रीडर हो गया, विलेजर ट्रेडिंग हॉल हो गया, उसके बाद जो है विलेज हो गया। तो मतलब कि भैया ये सब चीजों से आपको 200 ब्लॉक्स दूर आके इस फार्म को बनाना होगा, तभी जाके ये फार्म वर्क करेगा। तो इस फार्म को बनाने से पहले आप एक बार चारों साइड पे देख लेना, जैसे कि इस साइड पे चले जाना, इस साइड पे चले जाना, इस साइड पे चले जाना और इस साइड पे चले जाना, और जाके देखना कि 200 ब्लॉक्स के रेडियस के अंदर जो है कोई विलेज तो नहीं है या फिर कोई ट्रेडिंग हॉल तो नहीं है। तो ऐसा आप देख लेना, 200 ब्लॉक के रेडियस के अंदर जो है ये फार्म को आना नहीं चाहिए, मतलब 200 ब्लॉक्स तक दूर बनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके तो गाइस सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे जो है रखना होगा, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रखो डबल चेस्ट, क्राउचो के इसके ऊपर रखो मतलब दो हॉपर को ऐसे करके जो सीधा इस डबल चेस्ट से जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्राउचो के हॉपर को हॉपर से मतलब दो हॉपर और जोड़ दो, उसके बाद यहाँ पे क्राउचो के हॉपर के इस साइड पे ऐसे करके लगाओ दो, मतलब ऐसे करके सॉलिड ब्लॉक का एक लेयर जो है वो आपको ऐसे करके दे देना होगा, बिल्कुल ऐसे करके। तो यहाँ पे एक ब्लॉक और यहाँ पे एक ब्लॉक देने के बाद यहाँ पे क्राउच होके यहाँ पे दो स्लैब, मतलब स्लैब बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्लैब भी लगा सकते हो या फिर स्टेयर भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आप मतलब चेस्ट को जो है इजीली आपको एक्सेस, मतलब चेस्ट को ओपन कर पाओगे, मतलब अगर नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत के बाद आप चेस्ट को आसानी से देख पाओगे, इसीलिए यहाँ पे रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अभी यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे दो ऐसे करके टॉर्चेस को लगा देना यहाँ पे जो है आसपास कोई मॉब, ताकि स्पॉन ना हो सके और आपका जो काम है उसको बिगाड़ ना दे। एंड नाउ आपको रखना होगा यहाँ पे जो है 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स आए, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स ऐसे करके। और यहाँ पे चाहो तो आप ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 1, 2, 3 एंड इस साइड पे 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसको देने का एक ही रीजन है, आपका फार्म वर्क कर रहा है या नहीं, गोलेम गिर रहा है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। खैर तो भैया अभी देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको देना होगा 4, 5, 6, 7, 8, मतलब यहाँ पे 4 ब्लॉक्स देना होगा इस साइड पे, और इस साइड पे आपको देना होगा 4 ब्लॉक्स, 1, 2, 3 एंड 4 ब्लॉक्स ऐसे करके। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बीच में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स यहाँ पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देना होगा 1, 2, 3 ब्लॉक्स देना होगा, ठीक है, 4 ब्लॉक्स नहीं, 3 ब्लॉक्स आपको देना होगा। तो यहाँ पे ऐसा करके आपको कनेक्ट कर देना होगा, मतलब जो है यहाँ पे बीच में आपको 2 ब्लॉक्स गैप देखने को मिल जाएगा, और इस गैप में आपको ऐसा करके ग्लासेस रखना होगा। ग्लासेस लगाओगे तो यहाँ पे जो है अंदर विलेजर रहेगा, और कोई ग्लिच की वजह से कोई यहाँ पे आयरन गोलेम जो है वो स्पॉन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा करके कर देना होगा। दूसरे साइड भी सेम बिल्कुल यही चीज आपको करना होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो आपको रखना होगा 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स, और इस साइड पे भी आके 4 ब्लॉक्स आपको रख देना होगा। तो यहाँ पे 4, 1, 2, 3 एंड 4 ब्लॉक्स, जैसे कि आपने यहाँ पे इस साइड को बनाया वैसा ही सेम आपको इसको भी बना देना होगा। तो बिल्कुल यही चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो थोड़ा सा ये अजीब सा देखने को मिलेगा, बट यही तो है हमारा फार्म। नहीं नहीं अभी बहुत कुछ काम बाकी है। तो गाइस सबसे पहले देखो अभी आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 1, 2, 3 ब्लॉक्स आपको रखना होगा, 1, 2, 3 को हटाओ, यहाँ पे भी रखो 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे इसको हटाओ एंड यहाँ पर भी सेम 1, 2, 3, 1, 2, 3 साइड पे आके यहाँ पे भी 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड इनको अभी सबसे पहले इन सभी को जो है कनेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आपको कनेक्ट कर देना होगा, बिल्कुल यही चीज आपको भी करना होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करना होगा, अभी हमें यहाँ पे रखना होगा, यहाँ पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे 1 ऐसे करके एक ब्लॉक का लेयर आपको दे देना होगा सॉलिड ब्लॉक का। इससे क्या होगा, इससे आप जब यहाँ पे जो है इस गड्ढे
गड्ढे में लावा को डालोगे तो यहाँ पे जो वर्किंग स्टेशन जो है मतलब जो लकड़ी का होता है ना वो जलेगा, गलती से भी जलेगा नहीं, ठीक है, और आपका फार्म जो है वो नॉर्मली काम करता रहेगा इनफाइनाइट तरीके से। तो अभी देखो यहाँ पे आपको करना होगा ऐसे करके आपको एक और सॉलिड ब्लॉक का लेयर आपको दे देना होगा बिल्कुल ऐसे करके, और इस साइड पे भी ऐसे करके आपको सॉलिड ब्लॉक का लेयर ऐसे करके देना होगा। तो इसको हटाओ यहाँ पे ऐसे करके, एंड नाउ आप चाहो तो यहाँ पे ग्लासेस भी लगा सकते हो ताकि आपको फार्म के अंदर क्या हो रहा है वो सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और या फिर आप चाहो तो यहाँ पे जो है सॉलिड ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके तो गाइस ये देखो बिल्कुल यही चीज आपको भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी देखो आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इसको फुल कवर कर देने से पहले, ठीक है, यहाँ पे आप अंदर आ जाना और यहाँ पे जो है टॉर्चेस लगा देना, क्योंकि यहाँ पे अगर टॉर्चेस नहीं लगाओगे तो भैया यहाँ पे जो है मॉब स्पॉन हो सकता है। उस कमरे में भी आपको दो टॉर्चेस ऐसे करके लगा देना, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर कोई मॉब वैसे भी स्पॉन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लास है तो ग्लासेस के ऊपर तो मॉब स्पॉन नहीं होता। तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आपको यहाँ पे जो है ऐसे करके आपको सॉलिड ब्लॉक दे देना होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे करके। एंड नाउ अब देखो कि यहाँ पे जो ये लेयर आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये जो क्लिंग चेम्बर है हमारा, तो यहाँ पे आपको ऐसे करके दे देना होगा दो ब्लॉक्स, एंड यहाँ पर भी आपको दे देना होगा दो ब्लॉक्स, और चाहो तो आप यहाँ पे जो है ग्लासेस का लेयर ग्लास लगा सकते हो ऐसे करके, दो ग्लास लगा सकते हो, इससे आप देख पाओगे कि गोलेम जो है गोलेम वो गिर रहा है या नहीं, ठीक है। तो गाइस आप चाहो तो यहाँ पे ग्लासेस भी लगा सकते हो या फिर नॉर्मली ब्लॉक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस ये देखो हमारा फार्म ऑलमोस्ट बन चुका है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तो उसके लिए भैया यहाँ पे जो है ऐसे करके टेम्पररी ब्लॉक रखो, उसके बाद यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक, उसके बाद टेम्पररी ब्लॉक हटाओ, यहाँ पे एक और ब्लॉक रखो, और ये तो जो ब्लॉक आप देख रहे हो यहाँ पे दो ब्लॉक को साथ में लेके आपको इस पूरे प्लेटफॉर्म का एक चक्कर काट लेना होगा। तो चलो भैया चक्कर काट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये भी काम हमारा हो चुका है, एंड नाउ आपको जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना इसके ऊपर आपको रखना होगा मतलब जो है स्पॉन प्रूफ करना होगा ताकि इसके ऊपर कोई मॉब या फिर कोई आयरन गोलेम स्पॉन ना हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप चाहो तो स्लैब लगा सकते हो या फिर लीव्स भी लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट लिप्स को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे करके आप इसके ऊपर लिप्स लगा सकते हो, बट मैं क्रिएटिव में उसलिए मैं स्लैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी स्लैब का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बिल्कुल यही चीज आपको देखने को मिल जाएगा, एंड नाउ हमें डालना होगा यहाँ पे पानी। तो पानी को डालने से पहले आपको चारों कॉर्नर पे बिल्कुल ऐसे करके यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ पे आके यहाँ पे एक ब्लॉक, इस ओर मुड़ के यहाँ पे एक ब्लॉक, और यहाँ पे आके एक ब्लॉक को ऐसे करके रख देना होगा, मतलब चारों कॉर्नर पे आपको एक एक ब्लॉक को रख देना होगा। उसके बाद चारों कॉर्नर के ब्लॉक के ऊपर आपको डालना होगा एक एक बकेट पानी, और उसके बाद देखना कि पानी जो है पूरे प्लेटफॉर्म में वो है फैल चुका है सुबह हमारे किलिंग चेम्बर को छोड़ के। तो अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, हमें जो है यहाँ पे बेड्स को भी तो रखना होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 ब्लॉक्स ऐसे करके रखो, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको किलिंग चेम्बर को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे आसपास किलिंग चेम्बर को जो गड्ढा है ना उसको छोड़ के यहाँ पे आपको ऐसे करके एक सॉलिड ब्लॉक का राउंड मार लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और इसको लेयर जो है वो बढ़ा दो बिल्कुल ऐसे करके, और अगर आप अभी देखोगे तो ये देखो पूरा जो किलिंग चेम्बर बिल्कुल ऐसे करके आपको कर देना होगा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आपको एक और चीज करना होगा जो है इस साइड पे आपको एक दो ब्लॉक आपको रखना होगा बिल्कुल ऐसे करके, एंड यहाँ पर भी आपको जो है दो ब्लॉक को ऐसे करके रखना होगा, इस साइड भी सेम 1 2 एंड यहाँ पर भी 1 and 2, ठीक है। तो उसके बाद अभी आपको यहाँ पे रखना होगा बेड्स, 20 बेड को रखना होगा, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप 10 बेड को भी अगर आप रखोगे तो भी ये फार्म काम करेगा, ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि 20 विलेजर को यहाँ पे रखो। तभी हमने जो है इस पे मतलब दो चेंबर बनाए, ये देखो यहाँ पे एक चेंबर है और यहाँ पे एक चेंबर है, मतलब दोनों चेंबर में 10 10 विलेजर जो है वो रहने वाले, ठीक है, मतलब कि भैया एक चेंबर में रहेगा भाई 10 विलेजर और एक चेंबर में रहेगा हमारे 9 विलेजर। एक विलेजर जो है यहाँ पे आपको रखना होगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे नहीं रखोगे तो ये जो विलेजर है ना यहाँ पे इतना ऊंचा होने के बाद यहाँ पे जो विलेजर है वो मतलब यहाँ पे जो ये देखो बेड को हम लोग यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे रखेंगे ना तो इससे मतलब लिंक नहीं हो पाएगा, और उसको लिंक कराने के लिए भैया यहाँ पे आपको एक विलेजर को रखना होगा। तो सबसे पहले तो भैया उसका एक जुगाड़ कर देते हैं, जुगाड़ बोले तो भैया यहाँ पे एक उसका घर बना देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रखना होगा एक सॉलिड ब्लॉक, उसके बाद सॉलिड ब्लॉक नहीं एक्चुअली
यहाँ पे आपको लीव्स रखना होगा, ठीक है। लीव्स के ऊपर रखोगे तो यहाँ पे गोलेम गलती से भी ग्लिच की वजह से आपको यहाँ पे स्पॉन होता है देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दो ब्लॉक रखना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक एंड आपको इसके ऊपर एक ब्लॉक रखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक रखो, इसको हटाओ एंड इस ओर आ जाओ। एंड इस ओर आने के बाद जो है यहाँ पे आपको एक ब्लॉक रखना होगा एंड हमारा जो चेम्बर है वो एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एक और विलेजर रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो 20 विलेजर्स को जो है यहाँ पे लाने से पहले आपको यहाँ पे 20 बेड्स को आपको यहाँ पे रखना होगा। कैसे रखोगे? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे करके रखना होगा, दो बेड यहाँ पे आपको रखना होगा, दो बेड एंड यहाँ पे भी दो बेड। मतलब ये जो बेड्स का जो मतलब तकिया है ना, यहाँ पे देखो सफेद का जो तकिया है पिलो जो है वो इस गड्ढे की ओर पॉइंट करना होना चाहिए, ठीक है। मतलब गड्ढे की ओर होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आएगा 6 बेड्स, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे करके, जैसे कि आप देख सकते हो इनका जो तकिया है मतलब जो पिलो है वो इस गड्ढे की ओर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम आपको वही चीज करना होगा। तो यहाँ पे भी आपको 6 जो बेड्स है, तो ये देखो बिल्कुल यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, मतलब 20 बेड्स हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें जो है यहाँ के नीचे के सारे ब्लॉक्स को जो है यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से ऐसे करके हटा दो। ओके, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो बेड्स का और बेड्स के नीचे के सारे ब्लॉक्स को मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो गाइस ये देखो हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी देखो क्या करोगे। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे जो है हमें गड्ढे के अंदर आना होगा, ठीक है। गड्ढे के अंदर आना होगा भैया। तो गड्ढे के अंदर आने के बाद ये जो आपने यहाँ पे जो ब्लॉक लगाया ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो आपने सॉल्ट ब्लॉक का एक लाइन आपने दिया है, यहाँ पे आपको ग्लास देखने को मिलेगा। उसके ठीक यहाँ पे इसके नीचे आपको रखना होगा, मतलब यहाँ पे आपको रखना होगा यहाँ पे दो साइन, मतलब यहाँ पे आपको एक साइन लगाना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक साइन लगाना होगा एंड इसके पीछे आपको यहाँ पे एक साइन लगाना होगा एंड यहाँ पे एक साइन लगाना होगा, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है। क्राउच हो जाओ और यहाँ पे एक कैंपर, यहाँ पे एक कैंपर, यहाँ पे एक कैंपर एंड यहाँ पे एक कैंपर को आपको ऐसे करके लगा देना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आने के बाद जो आपने मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे मतलब साइन के ऊपर ठीक यहाँ पे आपको लावा को एक बकेट डाल देना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाना बाहर। तो भैया ये तो चीज हो गया एंड अभी हमें यहाँ पे लाने होंगे 20 विलेजर्स को और उसके लिए आप आसपास इसके आसपास एक टेम्पररी विलेजर बिल्डर का मतलब बना सकते हो, विलेजर बिल्डर बना सकते हो। उससे आप रेल और माइनकट से यहाँ पे ब्लॉक लगा के उसके मतलब हर एक जगह पे यहाँ पे 10 विलेजर्स, यहाँ पे 9 विलेजर और यहाँ पे एक विलेजर को ला सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको एक विलेजर को लाना होगा, तो यहाँ पे और सारे के सारे विलेजर जो है वो काम करना चाहिए, मतलब ये देखो एडल्ट विलेजर होना चाहिए और जो काम करना चाहिए। जो ग्रीन पजामा पहना हुआ विलेजर होता है ना, तो उसको यहाँ पे मत रखना क्योंकि ये उसको रखने से, या फिर बेबी विलेजर को यहाँ पे मत रखना, ठीक है। अगर आप उन दोनों विलेजर को, बेबी विलेजर और ग्रीन पजामा पहना हुआ जो विलेजर होता है, उन दोनों विलेजर को यहाँ पे रखोगे तो ये फार्म बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे विलेजर को रखना होगा जो काम करता हो। उसके बाद इसको एक जॉब पकड़ा दो, बिल्कुल ऐसे करके यहाँ पे देखो कुछ ही देर में ये जॉब ले लेगा। ये देखो जॉब ले लिया, ठीक है। ये इसको यहाँ पे इतना ऊंचा ऊपर रखने का क्या मतलब है, क्या रीजन? अगर आप यहाँ पे विलेजर को रखोगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी विलेजर इस बेड से लिंक ही नहीं हो पाए और अगर यहाँ पे एक विलेजर इससे लिंक हो जाता है तो बाकी के सारे विलेजर जो है उससे लिंक हो जाएगा। तो इसीलिए दैट्स व्हाई यहाँ पे रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड नाउ हमें यहाँ पे रखना होगा जो है 10 विलेजर को और उस साइड पे हमें रखना होगा 9 विलेजर को। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके दे देते हैं भैया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 9 विलेजर को सारे के सारे जो है वर्किंग विलेजर होना चाहिए। तो गाइस जैसे ही आपने यहाँ पे 10 विलेजर को रख दिया होगा और यहाँ पे एक विलेजर को रख दिया होगा, तो जैसे कि आप देख सकते हो सारे के सारे विलेजर जो है ऊपर के बेड से लिंक हो गया होगा, तो हो गया है। और अगर आपने यहाँ पे एक विलेजर को नहीं रखोगे तो यहाँ पे कोई भी विलेजर जो है बेड से लिंक नहीं हो पाएगा। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे जो है 9 विलेजर को रखना होगा, ठीक है, 9 विलेजर को ही रखना। अगर ज्यादा रखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेड रखने होंगे भैया। जैसे कि मैंने बोला ये देखो गोलेम स्पॉन होना शुरू हो चुका है। तो गाइस अगर आप 9-10 विलेजर को रखोगे तो आपको सिर्फ एक एक विलेजर देखने को मतलब आयरन गोलम देखने को मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे 10 से 20 विलेजर को यहाँ पे रखोगे तो आपको समय समय आपको दो दो विलेजर गिरते हुए देखने को मिल जाएगा। ये देखो गाइस हमारा फार्म इसी के साथ एकदम बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइस आप इसे बना सकते हो और लूट सकते हो भैया। ये देखो गाइस जैसे आप बना दोगे तो आपको यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होना शुरू हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आपको मिलेगा भाई आयरन इंगेट मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग्स मिलेंगे और यहाँ पे जो है पॉपी फ्लावर मिलेगा। तो यहाँ पे पॉपी जो फ्लावर है वो उसको आप कंपोस्टर में डाल के आप बोन मिल भी ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये है भैया, देखो भाई ये देखने में भी भाई आयरन गोलम के जैसा देखने को मिलेगा। आप इसको अगर डिजाइन करोगे ना तो ये आयरन गोलम के जैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये डिजाइन बहुत ज्यादा यूनिक मतलब प्यारा लगा मेरे को, तो इसीलिए भाई
अलग अलग डिजाइन भाई आयरन फार्म में देना मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस ये डिजाइन भाई, मेरा ये डिजाइन भाई कैसा लगा भाई आपको? ये देखो गाइस, एक जैसे आयरन गोलम यहाँ पे मर चुका था तो यहाँ पे एक और आयरन गोलम स्पॉन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आयरन गोलम स्पॉन होता हुआ देखने को मिल जाएगा, बस आपको स्टेप्स को सारे के सारे फॉलो करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे आप कुछ भी करो ये फार्म वर्क नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पे एक घंटा रुकोगे तो आपको 750 मतलब 750 आयरन से भी ज्यादा आपको यहाँ से आयरन मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको एक घंटा यहाँ पे एफ के रहना होगा, मतलब 10 स्टैक से ऊपर आपको यहाँ पे जो है आयरन जो है देखने को मिल जाएगा। बस आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है भाई। तो गाइस ये था आज का हमारा फार्म, बिल्कुल सिंपल और इजी आयरन फार्म। तो गाइस आप इसे बना सकते हो, ले सकते हो यहाँ से भर भर के आयरन स्ट्रिंग्स और जो है पपी। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बोला, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो मैं ऐसे के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।